डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है और आज एक बार फिर ये साबित हो गया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, चमोली के नंदप्रयाग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पत्रकार स्वर्गीय राधा कृष्ण वैष्णव और स्वर्गीय चंद्रावती वैष्णव की पुण्यतिथि पर शनिवार को निःशुल्क विशाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। ये शिविर हर साल वैष्णव परिवार की ओर से आयोजित किया जाता है। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित शिविर में 1500 मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। मरीजों को निशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। साथ ही शिविर के आयोजनकर्ता नोएडा में वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर गिरीश चंद्र वैष्णव ने बताया कि शिविर में नोएडा से 21 विशेष चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। मरीजों की जांच भी निशुल्क की गई। वाकई ये इंसानियत की एक मिसाल पेश करता है, क्योंकि देवभूमि परिजन में इन डॉक्टरों ने अपना कर्तव्य निभाते हुए, अपने जिम्मेदारी को समझते हुए इस कैंप का आयोजन किया ताकि देवभूमि के लोगों की सहायता वो कर सके। तो ऐसे में आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से चमोली में निशुल्क विशाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ चमोली से हमारे संवाददाता पुष्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर, जिस तरह से ये शिविर का आयोजन किया गया, वाकई ये कहना गलत नहीं होगा कि इंसानियत आज भी जिंदा है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के जब शिविर का आयोजन किया जाता है तो सरकार या तो श्रेय लेने की कोशिश करती है या फिर कोई संस्था अपना नाम जोड़ने की कोशिश करती है इससे। बिल्कुल, देखिए पारुल, आपने सही कहा, सही आपके स्क्रिप्ट में था कि डॉक्टरों को भगवान माना जाता है, तो उसका जीता जागता उदाहरण आज जनपद चमोली का जो दूरस्थ इलाका है, नंदप्रयाग एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे जो वरिष्ठ पत्रकार थे उनके परिवारजनों ने जिस तरह से यहाँ पे जो निःशुल्क जो शिविर यहाँ पे लगाया है, तो कहीं ना कहीं चाहे वो किसी की भी सरकारें हो पारुल, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह से सरकारें दावे करती हैं, लेकिन जिस तरह से आज जो नोएडा से जो 21 डॉक्टर जो जनपद चमोली में अपना जो एक दिन का जिन्होंने शिविर लगाया था यहाँ पे 15, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ पारुल की जिस तरह से यहाँ पे मरीजों का हुजूम, हम इसको कह सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे आए हुए थे लोग, क्योंकि इतनी भीड़, क्योंकि जो डॉक्टर यहाँ पहुंचे थे, नंदप्रयाग में पहुंचे थे जहाँ पे कैंप लगा था, इनको यहाँ पे ना पानी पीने तक की फुर्सत, चाय पीने तक की फुर्सत, यहाँ तक कि खाना खाने तक की इन लोगों को फुर्सत, निस्वार्थ भावना से ये लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे, अपना काम यहाँ पे कर रहे थे। और डॉक्टरों को कहा जा सकता है कि चाहे शासन या प्रशासन जनता की सुध ले ना ले, लेकिन जिस तरह से इस देवभूमि के जो डॉक्टर हैं, भले ही अब वो देवभूमि में रहकर काम नहीं करते, लेकिन आज भी उन्हें अपनी जनता की सुध लेने की जो है वो याद आती है, उनको याद आता है कि हमारे देवभूमि की जनता परेशान है, तो उन्हें किसी भी तरीके से मदद की जा सके। बिल्कुल बिल्कुल पारुल, सही सही कहा आपने कि जो डॉक्टर चाहे यहाँ पे कार्यरत न हो, अपने अपने जो नोएडा से यहाँ पे पहुंचे हुए थे, जो गढ़वाल का एक वातावरण होता है, क्योंकि समय ठंडा भी समय अधिक जो है जनपद चमोली में देखने को मिला है, तो अपनी सेवाएं निस्वार्थ भाव से यहाँ पे दे रहे हैं। किसी का यहाँ तक कि आपको यकीन ना हो कि 1500 से ऊपर लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ था 8 बजे से शुरू हुआ था और 4 बजे तक का जो आंकड़ा है 1500, उसके बाद 750 लोगों का जो है परीक्षण जो है, चाहे वो आपका कोई भी मरीज हो, तमाम सारे मरीजों को हमने यहाँ पे बहुत कोशिश करी डॉक्टरों से बात करने की, जो लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं कि हम इनसे बात करें, लेकिन डॉक्टर लोग इतने बिजी थे कि उनको जो कहते हैं कि जो दायित्व या हम इसको कहते हैं जो जी जान लगा के जो डॉक्टर जो इन लोगों को देख रहे थे, जो बिल्कुल यानी कि पुष्कर, कोई भी इन डॉक्टरों को प्रचार प्रसार करने का कोई भी वो नहीं था, लेकिन इसीलिए उनका सिर्फ मेन मकसद ये था कि किसी भी तरह वो ज्यादा से ज्यादा वहाँ की जनता को अपनी सुविधाएं दे सके। बिल्कुल बिल्कुल पारुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि क्योंकि डॉक्टरों की जो थीम होती है, डॉक्टरों की जो सोच होती है, अपने जो मरीज हो उनका मरीज ठीक हो जाए, उनके मरीजों की जिस तरह से सुविधा दी जाए या दवाइयां दी जाए, पारुल मुझे भी जो है जनपद चमोली में रहे हुए 32-33 साल हो गए, लेकिन मैंने आज तक कभी ऐसा शिविर या कभी ऐसे डॉक्टर जो यहाँ पे पहुंचे हुए निस्वार्थ भाव से यहाँ पे पहुंचे हुए थे, अपनी सेवाएं दे रहे थे, डॉक्टरों जो मरीज यहाँ पे पहुंचे उनसे इतने प्यार से बात कर रहे थे कि मानो कि ये इनके जो मरीज इनको जो मरीजों से ये वार्तालाप कर रहे थे, अपनी पूछ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने दिनों का इनका ये डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं। हाँ, हालांकि अभी हमने किसी मरीजों से बाहर बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने डॉक्टरों की तरफ उनका भी ये रुझान था कि सबसे बढ़िया कैंप और सबसे अच्छे डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर और मरीज का एक जो
बात करने का तरीका होता है, या आधी बीमारी तो वैसे ही समाप्त हो जाती है यदि डॉक्टर प्यार से बोले या डॉक्टर प्यार से देखे, तो कहीं ना कहीं भगवान का रूप डॉक्टर को माना जाता है। तो उसको जो है आज हमने जनपद चमोली के ननप्याग में जो यहाँ पे एक शिविर लगा था, निस्वार्थ भाव से जो शिविर यहाँ पे लगा हुआ था, भले बसरते यहाँ पे नमोनिया की शिकायत वाले डॉक्टर मरीज भी आए थे, उनका भी यहाँ पे इलाज किया गया, उनको दवाइयाँ दी गई और उनके साथ वार्तालाप की गई। यहाँ तक की सबसे बड़ी बात पारुल, यहाँ पे डॉक्टरों जो 21 डॉक्टर जो है जनपद चमोली में जो नोएडा से पहुंचे थे, केवल उन घरेलू इलाज सबसे ज्यादा जो यहाँ पे घरेलू इलाज के लिए जो है यहाँ पे प्रेरित किया गया, और खान पान जो हमारा जो गढ़वाल का खान पान होता है उसके लिए इन डॉक्टरों ने यहाँ पे इन लोगों को जो मरीज यहाँ पे पहुंचे, चाहे वो आपके ब्लड प्रेशर के मरीज हों, चाहे वो शुगर के मरीज हों, चाहे वो तमाम सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे। तो कहीं ना कहीं जनपद चमोली को जिस तरह से आज जो है यहाँ पे डॉक्टर जो नोएडा से 21 डॉक्टर यहाँ पे पहुंचे थे, सराहनीय कार्य भी किया है और जनता इनका धन्यवाद भी करेगी। और पालू सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी जो है जो कार्यक्रम जो है अभी भी चल रहा है यहाँ पे, और अभी भी इन लोगों को जो है जो डॉक्टर यहाँ से बाहर से यहाँ पे पहुंचे हुए थे अपनी सेवाएं यहाँ पे दे रहे थे, इनको सम्मानित करने का कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकारें कोई भी हो, लेकिन हमने आज तक चाहे स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य में सरकार श्रेय लेना चाहती है, या अदर पार्टियां चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये श्रेय लेना चाहती है, लेकिन इन डॉक्टरों का जो मन या इन डॉक्टरों का जो इलाज करने का तरीका जो हमको यहाँ पे देखने को मिला, तो हमें वाकई ऐसा लगा कि जिस तरह से डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है वो हमें आज यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में जो है ननप्याग में देखने को मिला है। बिल्कुल पुष्कर, चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से इस निःशुल्क विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। आपको ये भी बता दें कि अभी तक भी इस शिविर में वहां पर डॉक्टर भी मौजूद हैं और जनता भी पहुंच रही है। साथ ही शिविर के आयोजककर्ता नोएडा के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर गिरीश चंद वैष्णव ने अपने बताया शिविर में कि नोएडा से 21 विशेष चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं इस निःशुल्क जो कैंप लगाया गया था इसमें दी थी और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे थे।